और अपने मकासद किस तरह हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, टेंथ के बाद आई लर्न माय होम, टेंथ के बाद से लेकर अब तक मैं घर पे सिर्फ छुट्टियों में आने आता हूँ। जब तक आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखेंगे बीदर के नैरो वॉल्स में, आपका डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। अगर पढ़ाई के लिए आपको दूसरे कंट्री भी जाना पड़े तो ज़रूर जाइए, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ से देखिए, होम सिकनेस आज से अगर आपकी कहीं जॉब कहीं बाहर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं आपको बीदर में ही जॉब करना है, तब क्या करेंगे आप। मैं 11th में जा रहा था, इनिशियली एक दो महीने की बात हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे पाए, अब मुझे कहीं भी पोस्टिंग मिले, कहीं भी रहे, मैं रह सकता हूँ, मुझे होम सिकनेस नहीं होता ज़्यादा। तो इट्स अ प्रैक्टिस, अगर आप अभी 10th के बाद या 12th के बाद बाहर जाते हैं कहीं दूसरे प्लेस में पढ़ाई करने के लिए, इट्स अ ट्रेनिंग फॉर यू, ज़रूरी नहीं आपको बीदर में लाइफ लॉन्ग आपको रहना है। अगर बीदर में रहना है तो आप एक सिर्फ ऑर्डिनरी लाइफ गुजार सकते हैं। अगर मैं बीदर में रहने के ही अपना 11th-12th करता या ग्रेजुएशन करता या तैयारी करता तो शायद आज यहाँ मैं बैठा नहीं होता आपके सामने। मैं कहीं कुछ सिविल इंजीनियर कोई साइट पे कोई सिविल इंजीनियर का काम कर रहा होता, बट मैंने वो ऑर्डिनरी लाइफ का नहीं, मैं मुझे लगा कि जब मैं लाइफ एक ही बार रहती है और उस लाइफ को मुझे प्रोडक्टिव बनाना है। किसी ना किसी वे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने नेशन को, आप अपने कंट्री को, आप अपने सोसाइटी को, कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करें इसी तरह। तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत रखिए, होम सिकनेस मत रखिए, किसी को परमानेंटली बीदर में नहीं रहना है। अगर आप रहेंगे तो शायद आपका उतना डेवलपमेंट नहीं होगा, आप एक ऑर्डिनरी लाइफ न गुजारेंगे। अगर मैं बीदर में रहा होता तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई साइट में कोई इंजीनियर होता और धूप में रमजान में धूप में वहाँ पर मैं काम कर रहा होता, ताकि आप फैन के सामने यहाँ बैठा हो। अभी आपको यहाँ तशरीफ लाए हैं तो उनका इस्तकबाल करता हूँ। जनाब अब्दुल सलाम मुबशिर सिंधे साहब, ये भी प्रोफेशनली सिविल इंजीनियर हैं, सिंधे चैरिटेबल ट्रस्ट और आपके ये सेक्रेटरी हैं, और अभी रिसेंटली अलमीन एजुकेशन सोसाइटी बीदर की बॉडी में की मेंबर हैं। मैं मोहम्मद सलाहुद्दीन फरहान से ख्वाहिश करता हूँ कि वो उनकी गुलदस्ती और शाम और एक साल में उन्होंने अलमीन का अंदर बहुत से रिफॉर्म लाए हैं। आप देख रहे होंगे कि ओल्ड सिविल हॉस्पिटल के सामने चमकती हुई बिल्डिंग, बड़े एंथुसियास्टिक हैं, वॉलेंटरली ये काम कर रहे हैं, इनका प्रोफेशन बिल्डर है, इंजीनियर है। चलिए आइए, वेरी गुड। लास्ट वॉइस का एक क्वेश्चन रहेगा। मेरा नाम कक्षा है, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपने कहा गलतियों को पहचान कर उसे सीखो, लेकिन जब हम लोगों को बताया गया चले कि गलती क्या है, हम गलती को पहचानना कैसे सर। पहले तो अपने आप को ये समझिए कि मैं गलती कर सकता हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो गलती कर सकता हूँ, पहले ये मान के चलिए। सेकेंडली आपको गलती तभी पता चलेगी जब इंग्लिश में आगे एक अगेन एक सेइंग है, व्हाट इज नॉट मेजर्ड कैनॉट बी इम्प्रूव, जिसको आप मेजर नहीं करेंगे उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो आपका परफॉर्मेंस बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन गलत है या सही है। जो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि संडे जो ये टेस्ट होते हैं उसमें आपको परफॉर्मेंस बताएगा कि आपकी कुछ प्रिपरेशन में मिस्टेक्स है या नहीं। अगर आपका परफॉर्मेंस कम है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसमें। आप पता करेंगे कि क्या आपको लेक्चर जब आप बैठते हैं, क्या जो लेक्चर जब फिनिश हो जाता है क्या हर चीज़ दिमाग में है या फिर सब ऊपर से चला गया। फिजिकली तो हम प्रेजेंट होते हैं बट मेंटली क्या हम क्लास में प्रेजेंट हैं या नहीं। अगर आप लेक्चर समझ गए तो क्या आप एमसीक्यूज क्यों नहीं कर पा रहे, क्या आप एम
एक्टिविटीज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो ये गलती है, अगर क्लास में समझ नहीं आ रहा तो वो गलती है, गलती कहीं ना कहीं हो ही आपकी। और इट्स ओनली योर टेस्ट परफॉर्मेंस दैट इज कंडक्टेड हियर इन दिस इंस्टीट्यूशन विल टेल यू वेदर देयर इज एनी मिस्टेक इन योर प्रिपरेशन फॉर मार्क्स। एंड ट्रस्ट मी, हर इंसान गलती कर सकता है। अभी 1 बजे के बाद मन्ना सेठ साहब के पास प्रोग्राम है, कार्रवाई आगे बढ़ाइए। 10 मिनट में और आपने जब ये स्कोर पैदा किया है
चेंजेस करी लिए और आप क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं और आप कैसे अपनी ड्यूटी निभाना चाहते हैं? पहला प्रेफरेंस सीनियर पुलिस सर्विस का है तो जाहिर सी बात है मैं स्पेशलिस्ट रहूँगा लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में. तो एज आई वाज आल्सो टेलिंग वन ऑफ द गाय वन ऑफ द बॉय हु आस्क्ड कि मेरे भी प्लान्स क्या रहेंगे, कोशिश इसी बात की रहेगी कि जो जस्टिस है जस्टिस की जो वैल्यू है वो जो भी लोग डिजर्व करते हैं और जो नीडी है उनको मिले. आपके इन्फ्लुएंस या फिर आपके मॉनेटरी स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपको जस्टिस नहीं मिलना चाहिए. आप अगर कोई अनजस्ट आपके साथ कोई इनजस्टिस होती है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी पोजीशन क्या है उससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए बट आपको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए. ये यही कोशिश मेरी रहेगी कि मार्जिनलाइज सेक्शंस को और जो भी वो सेक्शन है जिसके पास नीड्स नहीं है कुछ और करने के लिए तो उनको मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जस्टिस उन तक पहुँचे. और आमतौर पे सोसाइटी में पुलिस का परसेप्शन बहुत गलत रहा है क्योंकि रिफॉर्म्स होना बहुत बाकी है पुलिस में. आज भी इंडियन पुलिस जो है एक ऐसे फ्रेमवर्क से वर्क करती है जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बना था. 1862 में एक इंडियन पुलिस लॉ बनाया गया था जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था. आज भी हमारी इंडियन पुलिस उस लॉ के तहत वर्क करती है. उस समय से लेकर आज तक काफ़ी चेंजेस आ गए हैं सोसाइटी में. बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ गए हैं. सिर्फ क्राइम्स नहीं बढ़े, क्राइम्स के अलग अलग तरीके बढ़ गए हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि ये रिफॉर्म लाया जाए. और मेरा एरिया जो रहेगा कम्युनिटी पुलिसिंग में. कम्युनिटी पुलिसिंग में आप पुलिस और सिटीजन्स की जो एक्सेसिबिलिटी है ये बढ़ा देते हैं. इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और जो गैप है एक आम सिटीजन में और पुलिस ऑफिशियल्स में ये गैप खत्म हो जाता है. मेरा एरिया यही रहेगा कि मैं कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करूँगा. वालिद साहब का ऐसा ख्वाहिश थी कि मैं कुछ साल एज ए सिविल इंजीनियर जॉब करूं ताकि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूं. बट जब वालिद साहब ने मैंने जब उनसे डिस्कस किया इस चीज़ के बारे में जो मेरा एक चाइल्डहुड का ड्रीम था तो उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं रोका. मैंने कहा मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी दी ना सिर्फ मेरे वालिद बट मेरी वालिदा जो मेरी मॉम है उनका मेरे लिए बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट रहा. खासतौर से जब पहले अटैम्प्ट में मेरा रिजल्ट नहीं आया तो आम एक ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन. तो मेरे फेलियर के टाइम पे जो मेरे चंद लोग थे जो मेरे करीबी लोग थे स्पेशली माय पेरेंट्स माय ब्रदर माय सिस्टर्स दे हेल्प मी अ लॉट टू ओवरकम फ्रॉम दैट स्ट्रेस फॉर अ लिमिटेड टाइम एंड उनका मॉरल सपोर्ट ही मुझे वो ये चीज़ लॉन्ग जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहा है. अगर उनका मॉरल सपोर्ट नहीं होता मुझसे तो शायद मैं ये जर्नी का तो शायद पहुँच भी नहीं सकता था. एग्ज़ाम लिखना तो दूर की बात है. क्लास है जो हमें बहुत दिनों तक याद रखेंगे और हमारे कैरियर में एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए बहुत मदद मिलेगी इंशाल्लाह. प्रिंसिपल साहब कार्रवाई आगे बढ़ाएं. अभी चंद मिनटों बाद हमारा ये प्रोग्राम खत्म होगा. अस्सलाम वालेकुम. कल ही नीट का रिजल्ट लगा जिसमें जो स्टूडेंट्स रैंक